Hey guys, what's up? It's Spark here. Welcome back again to the new episode of Ark Survival Evolved. तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ये मेरे सारे जो डायनो थे उन लोगों को मैंने अपने पुराने बेस से इस नए बेस पे राफ्ट के मदद से काफ़ी आसानी से लेके आया था। और फिर आज के लिए मैं अपने मतलब ये इतना बड़ा जो मैंने पेन हाउस बनाया है इसमें डायनो हमारे कम पर जा रहा है, मतलब कि और सारे डायनो को आज हम टेम करने वाले हैं और अपने अंडर लेके उन लोगों को आने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले उन लोगों को टेम करने के लिए मुझे वेपन चाहिए होगा, क्रॉसबो, ट्रैंक एरो और बोला ईटीसी। तो वो सब तो मेरे पुराने बेस पे ही है अभी। तो अभी सबसे पहले मुझे पुराने बेस पे चलना होगा, वहाँ से ये सब चीज़ें उठाना होगा और फिर उसका मतलब ये करना होगा। तो आज हम अभी चलने वाले हैं इस पर, क्योंकि इस पर हम आराम से अपना बैलेंस भी बना सकते हैं। अगर इस पर से हम निकल भी जाते तो इस पर से आराम से अपना बैलेंस भी बना सकते हैं। लेट्स गो। अभी हम लोग चलने वाले हैं अभी अपने बेस पे। इसका एक लेवल और बढ़ गया, इसका एक लेवल और बढ़ा देते हैं हम लोग स्टेमिना पे एक लेवल और बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ मिला है वो लूट लेते हैं। ऑल राइट, तो इधर ही अपना बेस है। ओ ब्रो, नहीं चाहिए, काफ़ी पुराने सामान मिल रहे हैं मुझे इस पे से। देख लेते हैं मैप पे कि मेरा बेस अभी कहाँ है। ऑल राइट, तो मेरा बेस आ ही गया, वो सामने मेरा बेस है। यहाँ से अपना जो वेपन है और कुछ सामान है उसे हम लेते हैं और फटाक से निकलते हैं शिकार पे। इधर आए हुए कितना दिन हो गया। पहले इस पे मेरा ये खड़ा होते थे डायनो, लेकिन अब ये खाली पड़ा है। यहाँ की लाइटें भी शायद बंद हो चुकी हैं। मेरा वेपन इसमें इधर को तो नहीं है, इसमें एक भी पड़ा हुआ है। इसमें से कुछ खाने को ले लेते हैं अभी हम, कुक मीट वगैरह। लेट्स गो। यही है वेपन शायद मेरा। यहाँ ये मेरा ट्रैंक एरो और मेरा क्रॉसबो किधर है। ये मेरा कुछ सिंपल बुलेट्स भी पड़ी हुई है। इधर को ये कंपास का ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट जार है। मेरा क्रॉसबो किधर गया। क्विड्ज का भी सेडल अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। ऑल राइट, तो सबसे पहले अभी हम लोग अपना क्रॉसबो खोजने वाले हैं। इसमें कुछ मेरे पास और वेपन्स पड़े हैं जो कि अभी किसी काम के नहीं है, ब्लूप्रिंट है वेपन्स के। ऑल राइट, तो अभी मेरा क्रॉसबो शायद से नहीं मिलेगा मेरे को। और मेरे कुछ वेपन्स हैं जो अभी मेरे पास से गायब हो चुके हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी, बैट, ये जो मेरे इम्पोर्टेंट जितने भी चीज़ें थे वो भी मेरे पास से शायद अभी गायब हो गई है। या तो हम इसे कहीं रखे हुए हैं या फिर पता नहीं। एक बार और हम मतलब इसके अंदर ढूंढ लेते हैं कि इसके अंदर है या फिर गायब हो गया। राइट, तो फाइनली मेरा ट्रैंक एरो मिल चुका है। मैंने इसी अटैच में रखा था इधर साइड में और मुझे दिख नहीं रहा था। इसको लेते हैं और जितना भी मेरे पास फालतू का सामान है उस सबको हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास जगह बनाना काफ़ी ज़रूरत होगा। लेट्स गो। तो अभी सब कुछ हो चुका है मेरे पे, अभी हम चलते हैं अब शिकार पे। अभी सबसे पहले अपना एम हम सुधारते हैं, मतलब कि एम मेरा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और अपने पारासुर को मुझे मतलब जिस सेटिंग पे मुझे चाहिए वो हम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आ गए और इसको इंटर करें तो ये मेरे को छोड़ के चला जा रहा है, लेकिन मुझे इसका ऐसा सेटिंग करना है कि ये मेरे नीचे ही रहे और हम इस पर खड़ा होके और फिर हम वो इसका बिहेवियर जो है फॉलोइंग कर देना होता है सिर्फ। और फिर जब हम इसको हवा में लेके जाएंगे और इससे उतरेंगे तो ये मेरे नीचे ही रहेगा। और फिर हम अपना ट्रैंक एरो आराम से ऐसे निकालेंगे और इसे लोड करके और हम एम कर सकते हैं। लेट्स गो। ऑल राइट, तो अभी हम चलते हैं अपने पुराने बेस पे और दिन होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रात को तो हमें उतना एनिमल्स मिलेंगे नहीं। तो अभी चलते हैं अपने बेस पे और दिन होने का इंतज़ार करते हैं और फिर करेंगे बूम बाम। यहाँ कोई एनिमल हो तो उसको मजा चखाएंगे अपने ट्रैंक एरो से। नहीं है बे, नहीं है। अभी हम पहुँचने वाले हैं अपने बेस पे, पुराने नए बेस। ऑल राइट, तो कुछ समय वेट करने के बाद से अभी जो है डे का जो टाइम है वो सेट हो चुका है
और अभी हम लोग अभी चलने वाले हैं अपने ग्रिफिन मतलब ये बोलू पे बैठ के और डायनासेरस को फाउंड करने के लिए। मुझे एक डायनासेरस का जो ट्रैकर होता है वो भी बनाना होगा, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगा आसपास कौन सा डायनो है ये जानने में। लेकिन उसको बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, कम से कम 700-800 आई थिंक उसमें ये लगता है। ऑल राइट, तो मुझे सबसे पहले अपना पहला शिकार मिल चुका है, इधर को रहा अपना पहला शिकार। लेट्स गो, अभी अभी हम यहाँ पे उतरते हैं और इसका जो बिहेवियर है नेबर फॉलोइंग कर देते हैं, ताकि हम अगर ऊपर से भी ट्रैंक एरो मारे तो ये मुझे नीचे छोड़ के भागे ना। ऑल राइट, ऐसे लेट्स गो। अभी भूमिया नीचे है, अभी इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको मत लग जाए। ओ भाई भागने लगा, ये तो भाग रहा है आई थिंक, ये अटैक करने वाला नहीं है, ये भागने वाला है। ओ भाई अनकॉन्शियस हो गया। अभी हम चलते हैं नीचे और इसके अंदर हमें खाना डालना होगा। खाना कौन सा, अगर ये रॉ मीट डाले तो चलेगा। ओ नहीं, इसके अंदर हमें वो डालना पड़ेगा, वो क्या बोला जाता है, बेरी जोरी डालनी पड़ेगी इसके अंदर। ऑल राइट, इसको भी अनकॉन्शियस करते हैं, इसको भी, ये भी अनकॉन्शियस हो गया। और अपने एरो को हम लोग अभी इकट्ठा कर लेने वाले, ये 3 लेवल का अच्छा खासा है, इसको हमें कैसे भी करके। ऑलराइट, तो अभी क्या है कि हम इसको ये कर देते हैं, अपने बेस पर से चल के उसके अंदर से बैरी लेके आते हैं, उसके अंदर काफी ज्यादा बैरी है और मेरे को भी प्यास भी लगा है, तो अभी मेरे को पानी भी पीना होगा। लेट्स गो, जल्दी से चल रहे हो, अभी कुछ बैरी भी लानी है और वो करना है। ऑलराइट, तो अभी इसके अंदर से फटाक से हम बैरी लेते हैं, टायर्स हम लोग बाहर निकाल देने वाले हैं, हाइट भी बाहर निकाल देने वाले हैं, स्टोन एरो चलेगा। लेट्स गो। ऑलराइट, तो अभी इसके अंदर हम बैठते हैं और चलते हैं अपने भूमिया के पास, जहाँ पे वो बेहोश हुआ था, इधर को बेहोश हुआ था। एक खतरनाक आर्मी बनाने वाले हैं हम लोग अभी, अभी तो जस्ट एक भूमिया से शुरुआत हुआ है। ऑलराइट, तो ये टेम होना स्टार्ट हो गया है और अभी हम लोग इधर को आने वाले हैं। ओ शिट मैन, स्पॉन एट द बेड। मेरा सब कुछ अभी जा चुका है और अभी मेरा सब कुछ लेने जाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग इस पे बैठने वाले हैं और चलने वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि जो रैप्टर मुझे मारा था, रैप्टर काफ़ी मतलब जो है मजबूत है भाई, मेरे को मार दिया रैप्टर। ऑल राइट, तो इस पे यहाँ पे तो वो अभी लड़ रहे हैं, वो लोग अभी लड़ रहे हैं मेरे भूमिया को अभी वो लोग मेरे मारने वाले हैं। ऑलराइट, अभी काफ़ी भयानक, ओ भाई ओ काफ़ी भयंकर युद्ध हो गया। आ जाओ सालो, आ जाओ। अभी मुझे यहाँ से अपना सारा वेपन लेना होगा, तभी जाके उन लोगों से हम बदला निकाल पाएंगे। अभी हम अपना ट्रैंक एरो निकालते हैं और भिड़ते हैं इन लोग से। आ जाओ। अरे ये ग्रिफिन को भी मार दिए ये लोग, साले ये ग्रिफिन को भी मार दिए, कहाँ गया। ऑल राइट, तो ये लोग अभी मारे जा चुके हैं रैप्टर्स डन। एक यहाँ पे बचा है, आ जाओ सालो, मेरे को मारे थे। लेट्स गो। अभी आजा, तू आजा। मैं अपना एक ग्रिफिन भाई, काफ़ी मेहनत से उसको मैंने टेम किया था, काफ़ी मेहनत से एक ग्रिफिन तो मेरा चला गया, ये लोगों ने मार दिया यार। सेट रैप्टर का आर्मी भाई काफ़ी खतर, अब देखो एक छोटा सा आ रहा है साला, ये छोटे वाले लोग आ रहे हैं अभी। जरा यहाँ आइए, और ये यहाँ जरा, ओ तेरी भैंस की, ये क्या है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये
नहीं ये मेरे को फॉलो नहीं कर रहा था, इसको बिहेवियर जो होगा इनेबल फॉलोइंग करना होगा। अभी हम इसको ये करने वाले हैं, भूमिया तो मेरा मारा जा चुका है, टेम हो गया था, लेकिन अभी हम लोग उसको एक एरो तो लगा लेकिन वो भाग गया। ऑलराइट, तो अभी एक बात तो मुझे पता चल चुका है कि रैप्टर जो है काफ़ी ख़तरनाक है, मतलब कि रैप्टर को अगर हम टेम कर लेते हैं तो अपना बेस कभी भी सुरक्षित रहेगा। और इधर भी इधर रैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इधर हम कुछ रैप्टर्स को इधर से उठाएंगे और अपने बेस पे लेके जाएंगे टेम करके। इधर मैंने एक वो भी देखा था काफ़ी पहले, लेकिन शायद अभी पता नहीं होगा या फिर किसी ने उसको तो ज़रूरी मार दिया होगा। ओ नहीं है, इधर ही है, इधर को ही है, इधर को ही है, ये जो नीचे दिख रहा है मगरमच्छ, ये अभी नीचे को ही है। इसको भी हम लोगों को एक दिन ना एक दिन टेम करना है। और एक ये इधर काफ़ी ज़्यादा जानवर है जिनको हम टेम कर सकते हैं, और लेकिन ये बिन बुलाए अगर अपने बेस पे आ गए फिर तो तबाही है। और एक ये भी काफ़ी ख़तरनाक जानवर है। ऑलराइट, तो अभी अभी हम चलने वाले हैं, अभी कुछ रैप्टर्स को हम लोग टेम करने वाले हैं। काफ़ी सारे रैप्टर तो इधर मरे पड़े हैं। लेट्स गो। अभी वीडियो का जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तभी रैप्टर्स को हम लोग जल्दी जल्दी से टेम करने वाले हैं। एक तो इधर को पड़ा हुआ है, काफ़ी सारे इधर को पड़े हुए हैं, लेकिन ऑलराइट, ये टेरर वाला जो बर्ड थी यहाँ पे अभी उतरी है, इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं और इसको स्टन करने वाले हैं। लेट्स गो, ये हो गई। इसके अंदर बेरी डालना है या मीट, क्या खाता है ये? लेट्स गो भाई, मैंने इसके अंदर तो फूड रख ही दिया है, अब क्या रखूँ? इसके अंदर तो बेरी भी रख दिया, मीट भी रख दिया, पता नहीं ये क्या खाता है, जो भी खाए जल्दी से उठ जाए। ऑल राइट, इधर को लेट्स गो। एक तो एक स्टन हो गया है, एक को मैंने स्टन कर लिया है, और एक कहीं से तो आ रहा है जो कि मुझे दिख नहीं रहा है। फटाफट से इसके अंदर मीट डाल देते हैं, टेम होना स्टार्ट हो गया। ये टेम होना स्टार्ट हो गया, और काफ़ी सारे हम लोग अभी टेम करने वाले हैं। एक इधर को है, लेट्स गो, ये भी स्टन हो गया, इसको भी हम ये टेम कर देने वाले हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले होता कौन है टेम इसमें से। ये टेम 99% हो चुका है, ये टेम होगा और उसके बाद से ऑल राइट लेट्स गो। तो एक टेम हो गया है, तो हम इसका नाम रखने वाले हैं A1, मतलब कि आर्मी वन में ये सब आने वाले हैं। ये एक हो गया, आ गया मेरे पे, और एक ये बाकी है अभी। जल्दी से हो बे तू भी, 82% ये भी हो चुका है, जल्दी से ये भी होगा और उसके बाद से हम लोग इधर से निकलेंगे। अरे कुछ तो अभी देखें, इस चाचा को भी स्टन कर दे गया। हो गया, वो इसका नाम रखेंगे हम 1.1, मतलब कि ये उसी के सेना में रहेगा 1.1। और ये A1 मेरे पास आ चुके हैं, अभी अभी हम इनको लेके अपने बेस पे लेके जाने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को हमारी रक्षा करना है बेस का। लेट्स गो, मेरा बेस को किधर है? आ गया, आओ, आ जाओ, आ जाओ, मुझे तेजी में नहीं चलना है, नहीं तो ये लोग नहीं आ पाएंगे। ब्रो किधर हो, आ जाओ, कम इन मेरे बेस पे आइए, आप लोगों का स्वागत है, मेरे बेस का सेवा कीजिए, सहायता कीजिए। भाई मेरे ग्रिफिन को लेकिन इन लोगों ने मार दिया, एक 1.1 ही आया और वो कहाँ रह गया? एक रैप्टर इधर है, इसको रैप्टर मारेंगे, मुंह पे मारेंगे, इतना तेज हमसे पंगे लेते हो। चल आ जा, तू भी आ जा मेरे सेना में। फूड तो मैंने रख दिया, लेकिन ये
टेम क्यों नहीं हो रहा है? ऑलराइट, तो इसके अंदर शायद से राइट, तो अच्छा ऑलराइट, तो दोनों रैप्टर मेरे पास आ चुके हैं। अब इन लोगों को हम लेके चलते हैं अपने बेस में। आ जाओ, इनको अभी बेस के अंदर रखने वाले हैं, क्योंकि जब तक इनकी पूरी आर्मी नहीं बन जाती है इन्हें हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो इन्हें कोई भी आसानी से मार सकता है। आ जाओ बे, इधर से तुम लोग एंट्री ले लो। ऑल राइट, तो काफ़ी समय, मतलब मैं ऐसा ऑफ द कैमरा खेलने के बाद से मैंने इन दो रैप्टर, एक 150 और एक 180 लेवल का है, इन्हें मैंने टेम कर लिया। इसके लिए मुझे वो बनाना पड़ा, सबसे पहले ट्रैप बनाना फटाफट, उसमें ट्रैप करके और इन्हें स्टन करके और फिर यहाँ लाना पड़ा। अभी ये दोनों मेरे बेस पे आ रहे हैं, अभी इनके लिए हम सैडल बनाने वाले हैं और फिर इस पर लगाने वाले हैं। ऑल राइट, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने बेस पे, और ये रहे हमारे जो दो वो थे और दो रैप्टर इधर आने वाले हैं। ऑल राइट, आ जाओ आ जाओ। एक 150 लेवल वाला तो यहाँ पे आ गया, और इन दोनों रैप्टर से हम बहुत सारे रैप्टर को करवा लेने वाले हैं, क्योंकि ये एक A1 है और एक किधर को रह गया ब्रो, 180 वाला भी आ गया और 150 वाला इधर। आ जा अंदर, अंदर अंदर आ जा। ऑल राइट, तो अभी एक आ चुका है, अभी इसको हम कर देते हैं फॉलोइंग, डिसेबल फॉलोइंग। अभी ये मेरे को नहीं फॉलो करेगा, सिर्फ ये फॉलो करेगा। इधर अबे ओए, इधर आ जा। ऑल राइट, अभी हम फटाक से चल के गेट बंद करने वाले हैं, ये बार बार गेट के बाहर चला जा रहा है। लेट्स गो, गेट बंद हो गया। अब इन लोगों को हम क्या करने वाले हैं कि जो होता है ना वो अंडा देने का इनेबल मेटिंग, इन लोगों का हम मेटल, इसका हम अभी स्टार्ट कर देने वाले हैं इनेबल मेटिंग। लेट्स गो, इसका हम लोग अभी मेटिंग स्टार्ट कर देने वाले हैं। तो मतलब कि ये रैप्टर जो है काफ़ी सारा अंडा देगा और हम फिर इसमें से छोटे छोटे बच्चे निकाल के और पूरा रैप्टर का आर्मी बना देंगे। तो अभी अभी हम देखते हैं कि रैप्टर का सेडल के लिए हमें क्या क्या लगेगा बनाने के लिए। रैप्टर का सेडल के लिए 65 फाइबर, 110 हाइड और 20 वुड, तो रैप्टर का सेडल बन जाएगा। तो अभी हमें जाना होगा पुराने वाले बेस पे, वहाँ पे काफ़ी सारा हाइड वुड 11 भी सब कुछ पड़ा हुआ है। तो अभी फिर वहाँ से बना के और इन लोगों के लिए लाना होगा सेडल बना के, जो कि आई थिंक वो अगले वीडियो में होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में हम इनका सेडल बना के देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।